बस मालिक व एजेंटों की खराब होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए भाजयुमो नेता नीरज प्रताप सिंह ने बसों का परिचालन प्रारंभ करने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम डीसी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत बसों का परिचालन व लॉकडाउन सरकार का बेहद ही सराहनीय कदम था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण काफी हद तक कम हो चुका है और सरकार अनलॉक भी जारी कर दी है। इसके तहत कई तरह की आर्थिक गतिविधियां चालू हो गई हैं, लेकिन लगभग 2 माह से बसों का परिचालन बंद होने के कारण बस मालिकों को वाहन का किस्त देने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है। उन्होंने सरकार से गाइडलाइन के तहत बसों के परिचालन आरंभ करने का आग्रह किया है। पहले जब बस चलना बंद किया गया वो सरकार का बहुत ही अच्छा कदम था, क्योंकि उस समय कोरोना की महामारी बहुत फैली हुई थी। हम सब ने इसका पुरजोर स्वागत किया, पर अब जब राज्य में सारी सुविधाएं खुल चुकी है, बस नहीं चल रहा पर ट्रेन चल रही है, फ्लाइट चल रहा है, इस व्यापार से जुड़े हैं जैसे बस के मालिक, एजेंट, ठेले ठुमचे वाले, यहाँ के ठेकेदार लोग दाने दाने को मोहताज हैं। बस के मालिक को अपने महीने का इंस्टॉलमेंट भरना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द बस का परिचालन शुरू करवाया जाए, ताकि सैकड़ों लाखों लोगों का जीवन में आर्थिक नुकसान जो वो झेल रहे हैं और दाने दाने को मोहताज हैं, उससे राहत मिल पाए। सानी बहुत तरह की दिक्कत है, जैसे क्या इंश्योरेंस देना ही है, टैक्स भरना ही है, फिटनेस देना ही है, बाकी एजेंट होकर बुकर सबको मरण है, खाने पीने पर दिक्कत है। सारी बाजारें खुल चुकी हैं, केवल बस को ही रोका गया है। आखिर क्या कारण है? बस ट्रेन चल ही रही है, फ्लाइट चल ही रही है, ऑटो चल ही रही है। ऑटो का जहाँ भाड़ा 50 रुपये का जा रहा है, भाड़ा तो कट ही रहा है। तो हम सरकार से गुजारिश इसलिए कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खोलें, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ जो महामारी चला हुआ है, इसके खिलाफ़ में सरकार तो बहुत ही ठोस कदम उठाया हुआ है, मगर सारी व्यवस्थाएं को दे दिया है और सिर्फ बस का ही परिचालन बंद किए हुए हैं। इसके लिए सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, इसके लिए कुछ हम लोग उग्र आंदोलन में उतरेंगे। इसके लिए सरकार को बस खोलना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व रामगढ़ जिला संघ संचालक श्री तिलक राज मंगलम को विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश कार्याध्यक्ष बनाए जाने पर रामगढ़ संघ परिवार के लोगों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी है। झारखंड अभिभावक संघ की वर्चुअल बैठक अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राज्य के लगभग सभी जिले के अभिभावक प्रतिनिधि सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए। रामगढ़ के अभिभावकों ने भी इसमें भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि रांची जिला की तरह हर जिले में प्राइवेट स्कूलों को लेकर शुल्क निर्धारण कमेटी का गठन सुनिश्चित किया गया। 28 जून से जिला अभिभावक संघ की ओर से हर जिला में स्कूल शुल्क निर्धारण कमेटी का गठन को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जूम ऐप के माध्यम से झारखंड अभिभावक संघ की एक वर्चुअल बैठक अभी हुई है, उसमें अलग अलग जिलों से सैकड़ों अभिभावक उसमें पार्टिसिपेट किए। पूरे झारखंड के जितने भी अभिभावक हैं, हमारे जो संगठन के लोग हैं, वो पूरी तरह कमर कस चुके हैं कि इस लड़ाई को लड़ने को लेकर के जहां तक लड़ाई लड़ना है वो हम लोग लड़ेंगे। और पूरे राज्य के अंदर जो फीस एक्ट है वो जिले के उपायुक्त के माध्यम से बनना है, जिले के अंदर वो जिला उपायुक्त से भी आग्रह होगा कि अपने अपने जिले में इसको बनाएं। और इसको लेकर के अभिभावक संघ की ओर से हम लोग दौरा भी करेंगे हर जिले का। रामगढ़ में लोगों को अपनी सेवा दे रहे रांची के सुप्रसिद्ध मधुमेह एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीके जगनानी को डायबिटीज इंडिया यूएसबी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। डायबिटीज इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर एसआर अरविंद एवं सचिव डॉक्टर बंसी साबू की अध्यक्षता में डॉक्टर जगनानी को यह सम्मान कोरोना काल के इस विकट दौर में मधुमेह उपचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। आजसु सेवा सहायतार्थ रामगढ़ के द्वारा रक्तदान महादान की मुहिम के तहत आज एक महिला मरीज पूजा कुमारी को रक्त उपलब्ध कराया गया। रक्त की आवश्यकता के कारण
इधर उधर भटक रहे परेशान वार्ड नंबर 5 निवासी जसविंदर कौर के द्वारा आजसू नेता नीरज मंडल को फोन के द्वारा सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही रक्तदान के लिए तेजिंदर सिंह गांधी आगे आए और अपना रक्तदान कर जरूरतमंद महिला पूजा कुमारी को रक्त देकर उनके परिजनों को सहयोग किया। आजसू सेवा सहायता समिति रामगढ़ लोकप्रिय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी एवं समाज सेवी सुनीता चौधरी के निर्देश पर लगातार जरूरतमंद मरीजों के लिए ब्लड की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसके तहत आज पूजा कुमारी महिला मरीज को ब्लड की जरूरत थी, जिनके परिजन काफ़ी परेशान थे, जिसकी सूचना पा करके सिख समाज से इच्छा जाहिर की गई कि मैं खुद रक्तदान करना चाहती हूँ, जिसके तहत 2 महिलाएँ और 1 पुरुष आगे आए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा मुझे रक्तदान करके। रक्तदान सबको करना चाहिए, डरिए मत, इससे आगे बढ़कर करिए ताकि हम लोग किसी की जान बचा सकें। धन्यवाद। उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने अपनी पत्नी कल्याणी सिन्हा एवं बेटे अतुल सिन्हा के साथ रामगढ़ के नई सराय स्थित वात्सल्य धाम का दौरा किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने वात्सल्य धाम में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेते हुए संचालकों से बच्चे को केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विस्तार पूर्वक जायजा लिया। वही मौके पर उप विकास आयुक्त ने केंद्र में रह रहे बच्चों के साथ काफी समय व्यतीत किया। उन्होंने बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई लिखाई एवं अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक बात की। इस दौरान केंद्र में रह रहे बच्चों को उप विकास आयुक्त के द्वारा कविता और श्लोक सुनाए गए और विभिन्न प्रकार के खेलों में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण जैसे क्रिकेट किट, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन आदि का भी वितरण किया गया। कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता तारिक अनवर को उनके समर्पण भाव और उनकी निष्ठा को देखते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का महासचिव मनोनीत किया गया। वह दूसरी बार महासचिव बनाए गए हैं। उनका मनोनयन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शकील अख्तर अंसारी के द्वारा किया गया। उन्हें दोबारा महासचिव पद की जिम्मेवारी सौंपी गई, जिस पर तारिक ने कहा कि पार्टी ने जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे यह जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उस पर खड़ा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। दुलमी प्रखंड के कुल्ही में रामगढ़ विधायक ममता देवी के सौजन्य से सैकड़ों फलदार और छायादार पौधे का वितरण किया गया। वितरण कर रहे कांग्रेसी नेता सुधीर मंगलेश ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम सभी को पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए अमृत तुल्य है। पेड़ धरती पर बढ़ते प्रदूषण और घटते ऑक्सीजन को लेबल कर धरती को स्वच्छ और हरा भरा बनाती है। आज दुलमीप्रखंड कुल्ही में तुमाटाड़ में आज स्थानीय विधायक आदरणीय ममता देवी सौजन्य से सैकड़ों पेड़ का वितरण किया गया। और वितरण करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हाल में ही कोरोना महामारी में ऑक्सीजन कमी से सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दिया, उसी के देखते हुए आज हम लोगों ने पेड़ का वितरण किए। और ये वितरण अभी जब तक बरसात है तब तक वितरण कार्य चलते रहेगा। अपने परिवार में हर दिन को स्पेशल बनाने के होंगे सबके अपने मौके। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और अपने ओकेजन को बनाएं यादगार और खास, क्योंकि अपने स्वाद और शुद्धता के लिए पिज्जा के दीवानों में अपनी धाक रखने वाला पिज्जा की दुनिया का सुप्रसिद्ध नाम लजीज पिज्जा खुल गया अब आपके शहर रामगढ़ में। रामगढ़ कॉलेज गेट के समीप खुले लजीज पिज्जा में वेज, नॉन वेज, क्लासिक एंड एक्जोटिक पिज्जा के अनेकों वैरायटी के साथ आइसक्रीम, कॉफी, स्नैक्स, सैंडविच, बर्गर, ग्रिल सैंडविच घर बैठे बस एक कॉल पर पाएं। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 6202893511, दूसरा नंबर 0655329601।